वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे थर्ड सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोकोनट डे ऑन 2nd of September हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोकोनट दिवस मनाया जाता है 2nd of September को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लेबर डे ये मनाया जाता है 1 मई। इंटरनेशनल टाइगर्स डे तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व वाटर डे तो ये मनाया जाता है ऑन 22 मार्च। वेल शार्क कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बाय 2 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। वेल शार्क को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है बाय 2 स्टेट्स, और वो 2 स्टेट्स कौन सी हैं? एक है कर्नाटक और एक है केरला, और 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं, ये रहा आपका केरला, और केरला के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न सिकार्स। महाराष्ट्र के कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है? कन्नड़। महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण। सारिक्स एक्सरसाइज, सारिक्स 2022 बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। सारिक्स एक्सरसाइज चलाई गई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। किसके लिए चलाई गई है? टू प्रोटेक्ट कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज चलाई गई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो एक्ट आया था 1977 में, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1978 में हुई है, और इस समय चेयरमैन है रविंद्र कुमार पठानिया। रामसे मिक्से अवार्ड 2022 को सोथीगा, त्रिशा, त्रिदिशा, बार्नेडिक, मैड्रिड, गिरी, बांचदेश। रामसे मिक्से अवार्ड दिया गया है जिसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इस साल किसको दिया गया है? तो सोथीगा, त्रिदिशा, बार्नाडेट मैड्रिड और गैरी बांचदेस। आप इसको याद कर सकते हो, थ्री मैड्रिड गैरी, आप इस तरह याद कर सकते हो। थ्री मैड्रिड, थ्री मतलब तीन लोग, मैड्रिड स्पेन की राजधानी और गैरी आप इसे याद कर सकते हो। हैना मोर इज इन न्यूज। हैना मोर अभी चर्चा में है, तो ये क्या है? एक्चुअली हैना मोर एक साइक्लोन है जिसका अंदाजा लगाया गया है। तो ये कहाँ पर टकराएगा? साउथ ईस्ट चाइना में टकराएगा एंड जापान को प्रभावित करेगा ये। और ये 2022 का सबसे पावरफुल साइक्लोन होने वाला है जो आने वाला है। एक आसानी नाम जो साइक्लोन आया था, ये किसका नाम दिया गया था? श्रीलंका का। सर्वावेग इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पेपर में सीधा आएगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारी पहली इंडिजिनियस वैक्सीन कौन सी है? तो वो है सर्वावैक। और इसको किसने लॉन्च करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगी इसको। और किसके लिए है? सर्वाइकल। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज जो वुमेंस में पाई जाती है फ्रॉम 15 to 44 ईयर्स ड्यू टू अनफर्टिलिटी, तो ये है सर्वाइकल कैंसर। और ये इसके लिए इंडिजिनस
दवा तैयार की गई है सर्वा वाक। इंडिया फर्स्ट मॉडल वर्चुअल स्कूल इन न्यू दिल्ली, ऑनलाइन विदाउट एनी फीस, कोई भी फीस नहीं होगी और उसके लिए ऑनलाइन फर्स्ट वर्चुअल स्कूल न्यू दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है कहाँ पर, न्यू दिल्ली। मेघदूत मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली हमारे इंडिया की ऐसी मशीन जिसको जो एयर को यूज करके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। एक्चुअली आपको पता होगा ना जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में भी क्या पाया जाता है, गैस ही होती है, बट जब आपको इसको प्रेशर देकर इसमें फिल की जाती है तो ये क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। और इसी तरह प्रेशर डाला जाएगा इस मशीन में और जो एयर को क्या कन्वर्ट कर देगी, वाटर, क्योंकि एयर में क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा, रेलवे ऑफ इंडिया के द्वारा। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।